पब्लिक टीवी आपकी आवाज। खुशालपुर में बिना पंजीकरण चल रहे जीवन रेखा अस्पताल में बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। अस्पताल में बीए डिग्रीधारी लैब संचालित करते पाए गए, जबकि बीकॉम और जीएनएम डिग्रीधारियों के भरोसे ऑपरेशन थिएटर चलता मिला। डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल संचालक रामपुर के फैजुल्लापुर निवासी अवधेश कुमार, मैनेजर अताउल्ला खान और लैब संचालक चमन के खिलाफ कार्रवाई के लिए मझोला थाने में तहरीर दी गई है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत का संज्ञान लेकर डिप्टी सीएमओ मौके पर पहुंचे थे। वहां 7 बेड, कुछ मरीजों की जांच रिपोर्ट, लैब, दवाएं और ऑपरेशन थिएटर का सामान मिला। अस्पताल में कोई डॉक्टर या प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ नहीं पाया गया। मौके पर कोई मरीज भर्ती नहीं मिला। अस्पताल में फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था नहीं मिली। बायोमेट्रिक वेस्ट के निस्तारण के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल संचालक पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप में तहरीर दी है। एक शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि जीवन रेखा हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा है। आज इसका औचक निरीक्षण किया गया, जो कि सही पाया गया। इनका ना तो सीएमओ ऑफिस में किसी प्रकार का पंजीकरण है और ना ही किसी दूसरे अन्य आयुर्वेदिक में भी इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो इनके द्वारा पाया गया, और ना ही मौके पर यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद पाए गए। एक यहाँ पर अंदर अवैध रूप से संचालित लैब भी पाई गई है, ओटी भी संचालित पाया गया है, और सभी को देखते हुए आज इसको 1 अगस्त 2024 को इसको सील किया जा रहा है। किस नाम से हॉस्पिटल है? ये जीवन रेखा नाम से हॉस्पिटल है, शाहपुर रोड पर है। नहीं, औषधि जो ना एक्सपायर कोई नहीं मिली है, जो भी मिली है वो सील करके अभी थाने में जाके दे देंगे उनको और तहरीर दे रहे हैं। हाँ, अभी इनके खिलाफ जाके थाने में तहरीर दी जाएगी और मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।